तीन क 15 तो शुरू हो जाती 3 क बजे के करीब, तो एक बंदा जिदा एंट्री करता दो जने बाहर रेंदे पिया, तो उन्हें जिदा सारी जिदा साडा समान जिदा चोरी किया, तो अपना जिदा पेटी भी तोड़न की कोशिश की, साड़ी पेटी बच गई, बाकी 800 ग्राम के करीब साडा चांदी के डिस्पले की हुई थी रखड़ियां सीजन करके, वो सारिया लै गए। पूरा अद्धा घंटा तांडव करते रहे, इस तो बाद यह वारदात नहीं है, इस तो बाद साड़ी दुकान तो बाद एक होर दुकान उन्होंने तोड़न की कोशिश की, वो मैं तुहानू भी दिखाना वा। पंजाब दे विच दिन ब दिन लुट अते चोरी की वारदातां वधदियां नज़र आ रही, सो ताज़ा मामला अमृतसर के मानाला के सामने आया, जिथे देर रात कुछ चोरों द्वारा एक सोने की दुकान से लुट को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना CCTV दे विच कैद जरूर हो गई, असी इस वेले मानाले उस दुकान के बाहर खड़े हैं, कंडा ज्वेलर्स, जिस दुकान से देर रात चोरों द्वारा एक लुट को अंजाम दिया गया। हालांकि पहले इस शटर को तोड़ा गया, तुसी देख सकते हो कि शटर भी टेढ़ा होया, सो इस शटर को तोड़ा गया, फिर उस तो बाद चोर एक चोर अंदर दाखिल होया तो दो चोर बाहर रहे, सो करते करते करीब 3 बजे का मामला है सवेरे 800 ग्राम चांदी की लुट की वारदात को अंजाम दे के चोर फरार हो गए, तो जिस जगह पर सोना पिया सी जिस अलमारी दे विच चोरों द्वारा उस अलमारी नू भी खोलन की कोशिश की गई, लेकिन वह अलमारी नहीं खुली, सो चोर 800 ग्राम के करीब चांदी की लुट की वारदात को अंजाम दे के फरार होए हैं। जिस जगह पर लुट की घटना को अंजाम दिया गया उस घटना से उस जगह तो करीब 200 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात है, क्योंकि उस जगह पर किसानी धरना लगा, पुलिस वड्डी मात्रा के उस जगह पर तैनात है, साथ नाल दुकान के मालक मौजूद है। भाजी नाम की तुहाडा? जतेंद्र सिंह जी। जतेंद्र जी, किन्ने बजे लुट की घटना हुई है, किन्ने चोर दाखिल हुए, CCTV दे विच की सामने आ रहा? सियाई 3:15 तो शुरू हो जाती 3 बजे के करीब, तो एक बंदा जिदा एंट्री करता दो जने बाहर रेंदे पिया, तो उन्हें जिदा सारी जिदा साडा समान जिदा चोरी किया, तो अपना जिदा पेटी भी तोड़न की कोशिश की, साड़ी पेटी बच गई, बाकी 800 ग्राम के करीब साडा चांदी के डिस्पले की हुई थी रखड़ियां सीजन करके, वो सारिया लै गए। तो आ जो शीशे के समान पिया हों, इधर तुम ताला लाया हों कि नहीं, इनू किवें खोलिया? इन्होंने आ देखो जी इदा तोड़ता जी, शीशे तोड़ते आ देखो सारे, ना शीशे तोड़े हुए उन्होंने, तो इस चांदी की सारी रखनी? हाँ जी हाँ जी, ये चाह जिदा बॉय जिदा रखी असी काउंटर से आप, तो दूसरा भी जिदा इन्होंने सारे तोड़े अपने जिदा पूरी भन तोड़ भी नाल करके गए। तो जिस जगह जिस वेले लुट को अंजाम दिता गया उस वेले की सोना भी पिया सी, इत्थे किन्ना सोना पिया सी? सोना कम से कम आप जिदा पिंड की दुकानदारी करके जिदा 100 ग्राम के करीब आप एस्टीमेट रखी दा वा, जिदा माड़ा मोटा गाहकों का कस्टमर का तैयार करके, तो आ जी अलमारी है इसनों खोलन की कोशिश की? हाँ जी हाँ जी, ये इतने पई होंगी सी अपनी टेबल से, इन्होंने यानी बकायदा वीडियो च भी देखोगे तुम कि उन्होंने बकायदा थले सुट के बाद चो सबलों के नाल भी करते रहे, फिर वो बाहर कढ़न की कोशिश भी करते रहे कि इनू नाल लै चलीए। कितनी देर जेडे चोर जेड़ा दुकान के अंदर रहे? पूरा अद्धा घंटा तांडव करते रहे, इस तो बाद यह वारदात नहीं है, इस तो बाद साड़ी दुकान तो बाद एक होर दुकान उन्होंने तोड़न की कोशिश की, वो मैं तुहानू भी दिखाना वा कि 2-3 वारदातां कट्ठियां हुई कि वह भी उन्होंने किस्मत सी कि उन्होंने वो बच गई, केबल वाली शॉप सी तो वह यानी एक ताला टुट गया, दूजा उन्होंने टुटिया नहीं है, तो उन्होंने बचाव हो गया। तो शटर जिहड़ा बाहर तुसीं ताले लगा के जाते, किन्ने ताले लगा के जाते, तो शटर नूं किवें खोलिया? ताले इन्होंने जी बाहर ही पिया जी, राड़ पई इन्हों ना राड़ पा के बिच यानी बांस के नाल, तो इन्होंने इट्टा नाल रखिया हुई, तो बिचों ही चकदा 3 ताले लाने बकायदा, 2 साइडा वाले यानी कि सेंटर लॉक वाले, तो उदा यानी अं सिक्योरिटी अपने हिसाब न बिल्कुल, मगर चोरों लिए कोई सिक्योरिटी वाला काम नहीं है। पुलिस कंप्लेन लिखाई? हाँ जी, उन्होंने को गए से, उन्होंने जिदा FIR नहीं की अजे तक, उन्होंने उदा क्या केंद्र यानी कि करा ढे लागे, तो भाजी किसानी धरना लगा हुआ, नहीं पुलिस फोर्स खड़ी है, तो उसके बावजूद भी लुट की घटना को अंजाम चोर दे के आराम ना फरार हो गए? वो कह रहे हैं उधर बिजी से, पुलिस मुलाजम जो मैं गया चौंकी गया, तो वह कहते जिदा उत्थे थाने जो गया वा, तो मैं थाने मजदूर कोई नहीं मिले उत्थे, जो मैं 4-4:30 बजे गया तो उत्थे कोई थाने कोई नहीं है, फिर अं 100 नंबर पर कंप्लेट की, फिर 100 नंबर वाले ने उन्होंने भेजा,
ਸੋ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।